हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इमरान। तो आप देख रहे हैं हमारे एस आई एफ ऑल एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैंने बनाया हूँ एक टेबल लाइट जो कुछ इस तरीके से है। तो फ्रेंड, इससे आप आसानी से मतलब कि इससे इसके रोशनी से आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके जो क्वालिटी की बात करूँ तो फ्रेंड, इसे आप कैसे भी मतलब कि कोई से भी एंगल में से रख सकते हैं, इसे सीधा और ऐसे मतलब के बांका, और इसे तो आप कोई से भी एंगल से मतलब के ये भी हमारा जो है 180 डिग्री में से आप रोटेट कर सकते हैं, और इसके मतलब के दायां और बायां भी इसे कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं ऐसे। तो फ्रेंड, ये यूनिक सा सामान, आई होप आपको बहुत पसंद आए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप के आप भी इसे बना सकते हैं घर पर। तो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मतलब कि बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ पीवीसी पाइप जो 90 mm का है, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, उसका जो लेंथ है वो मैं लेता हूँ 25 mm। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे देख सकते हैं निशान मार लिया हूँ। तो फ्रेंड, अब इसके कोटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने इसके कोटिंग कर लिया हूँ और यहाँ से सैंड पेपर से रोप भी कर लिया हूँ। तो इसके फ्रंट कवर एंड बैक कवर बनाना है, तो उसे बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप का यहाँ पे सीट बना लिया हूँ। तो इसे अब इसके फ्रंट कवर एंड बैक कवर बनाना है। तो फ्रेंड, इसे भी कोटिंग करना है, तो मैं इसे भी कोटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये मैं कोटिंग कर लिया हूँ और इसे भी मैं रफ कर दिया हूँ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद देख सकते हैं मैंने 85 mm बाय 90 mm के मैंने दो पीस लिया हूँ। तो इसका क्या काम है मैं दिखा सकता हूँ, इसे यहाँ पे ऐसे रखना है। तो फ्रेंड, मैं ऐसे क्यों रखता हूँ आप समझ जाएंगे इस वीडियो पर। तो मुझे इसे चिपकाना है इसे। तो फ्रेंड, इसे चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फेविक्विक का यूज किया हूँ। अब ये सूख गया है, तो मैं इसे यहाँ पे क्यों लगाया हूँ बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये मैं यहाँ पे सीमेंट का मिक्सचर बना लिया हूँ, सीमेंट और बालू का। तो मुझे यहाँ पे डालना है क्योंकि इसका जो वेट है इसे मुझे ज़्यादा करना है। तो फ्रेंड, आप इसे कुछ देर रख रख देते हैं सूखने के लिए। तो फ्रेंड, अब इसके स्टैंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ पीवीसी वायरिंग पाइप का। तो यहाँ से मैं एक लेता हूँ जो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 1/2 inch का है। तो मैं एक लेता हूँ 15 cm, एक मैंने यहाँ पे लिया हूँ 15 cm, और हमें एक लेना है 75 mm। तो फ्रेंड, अब इसे कोटिंग करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे कोटिंग कर लिया हूँ। तो फ्रेंड, इसके कवर बनाना है। तो कवर बनाने के लिए मैंने यहाँ से छोटा सा मैं पहले से कट कर रखा हूँ, तो इसे खाली कवर बनाने के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा 8 जो कवर था उसमें से मैं यहाँ पे 2-2 करके जेंट कर दिया हूँ, और यहाँ पे 4 पीस है तो इसे भी मैं यहाँ पे 2-2 करके जेंट कर दूँगा। तो उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरीके से यहाँ लगेगा।
रख सकते हैं, ऐसा हमारा लगेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड देख सकते हैं चारों को मैंने यहाँ पे चिपका दिया हूँ। तो फ्रेंड इसके ऊपर हमें मतलब के अप एंड डाउन करने के लिए, तो ऊपर नीचे करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ इस तरह से मुझे एंगल बनाना है, जो मैं पीवीसी पाइप से ही बनाया हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 पीस बनाया हूँ, तो कुछ इस तरह के है जो हमारा इस तरीके से रहेगा, मतलब कि इसके ऊपर नीचे करने के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे होएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। इसके लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6 पीस बनाया हूँ। तो आप क्या करना है ना, उसे यहाँ पे लगाना है, और एक में जो हमें लगाना है 1 पीस, और दूसरा में लगाना है हमें 2 पीस, नहीं एक दो 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 पीस लगाना है। तो उसे लगाते हैं। तो फ्रेंड इसे जो है यहाँ पे पूरा सीधा लगाना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 ऐसे बनाया हूँ, और जो यहाँ पे जो 2 पीस है, तो फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों बनाया हूँ। तो देख सकते हैं, तो एक से अंदर चले गया और यहाँ पे एक है। तो फिर मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारा है देख सकते हैं ऐसे ओपन डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 बना लिया हूँ, और एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे 2 पीस बचा है। तो 2 पीस को मैं जो बेस का यहाँ पे फ्रंट कवर में लगाना है मुझे। तो फ्रेंड इसे लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक स्विच का होल, मतलब कि स्विच के घर काटना है, और यहाँ पे वायर के लिए यहाँ पे एक होल किया होल करना है। तो मैं इसे कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्विच का भी मैंने कटिंग कर दिया और यहाँ पे होल कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे स्विच लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कोटिंग का वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि अगर जब मैं कोटिंग का वीडियो डालूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोटिंग का वीडियो नहीं डाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्विच का भी परफेक्ट हो गया है। तो अब मुझे यहाँ पे ऐसे 2 पीस लगाना है। तो 1 पीस जो लगाऊँगा मैं यहाँ पर, और 1 पीस लगाऊँगा यहाँ पर, थोड़ी सी गेप रखूँगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं लगाऊँगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ, और ये सब को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड एक कुछ मैं बता देता हूँ कि ये कैसा लगेगा यहाँ पे। तो कुछ देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लगेगा। तो देख सकते हैं ऐसे हमारा यहाँ पे ऐसा लगेगा है। तो फ्रेंड ये तो हो गया है, तो मैं यहाँ पे ऊपर रखा हूँ, बाद में दिखा दूंगा मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड अब आते हैं इसके लाइट, जो यहाँ पे LED लगेगा हम उसे लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड हम ये लाइट लगाने वाले हैं, जो मैंने पिछला वीडियो पर डाला था सेलिंग लाइट। तो लिंक, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसे यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो इसके साथ में मैंने और एक लिया हूँ सेम साइज़ का PVC पाइप, और यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके आधा में जो है यहाँ पे एक निशान मारा हूँ, और यहाँ पे एक निशान, और यहाँ से मैं एक सर्कल हाफ सर्कल काटा हूँ, और यहाँ से एक हाफ सर्कल काटा हूँ, और ये रहा इसके सेंटर पॉइंट, मैंने एक होल करना है मुझे। तो एक कुछ इसके अंदर ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर मुझे होल करना है। तो इसके अप डाउन के लिए मैंने ऐसे बनाया हूँ। तो इसके लिए मुझे एक खोलना है, तो खोल के मुझे यहाँ पे एक 2 होल करना है। तो मैं वो होल करता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, इसे कटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इसे काट दिया हूँ, और यहाँ से होल भी कर दिया हूँ। तो फ्रेंड अब मुझे ऐसे लगाना है। तो इसके सीधा में पूरा हमें यहाँ होल करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ निशान दे देता हूँ।
तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसके जो बैक कवर था मैं उसे निकाल दिया हूँ, क्योंकि जो होल करने का था हमें नॉट बोल्ट तो यहाँ पे कसने के लिए ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने देख सकते हैं इसके जो बैक कवर था मैंने इसे खोल दिया हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक होल होल हो चुका है मेरा। तो उसके बाद मैंने बोला था ये मैं खाली रखा हूँ, और मैं देख सकते हैं सेम जैसे मैंने बनाया था सर्कल के तरह। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके सेंटर में मैंने एक नॉट बोल्ट यहाँ पे रख दिया हूँ, मतलब यहाँ पे चिपका दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका भी एक सेंटर में होल किया था, इसलिए कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे अब चिपका के बता रहा हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे लगाया था इसे। आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह यहाँ पे लगेगा। तो उसके बाद तो फ्रेंड इसे क्या करना है ना, जिस हम इस तरफ घुमा सकते हैं राइट लेफ्ट, लेकिन इसलिए मैंने लगाया हूँ। आप जो तरफ कर चाहेंगे वो तरफ कर सकेंगे लाइट का जो फॉक्स को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया हूँ। तो फ्रेंड अब जो फ्रेंड ए वाला जो था ए वाला सूख गया है, तो मैं अब इस पर कॉलर कर देता हूँ। तो कॉलर कर देने से तो फ्रेंड इसके जो फिनिशिंग है बहुत अच्छा लगेगा देखने को। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इसे कॉलर दे दिया हूँ, और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके स्टैंड वगैरह में मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर और इसके बेस एंड इसके लाइट में मैंने दे दिया हूँ रेड कलर। तो इसे फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड मैं इसके अंदर जो हमें वायर लाना है, मतलब के तार लाना है, उसके लिए मैंने इसके सीधे में एक होल करना है और इसके सीधे में एक होल करना है। तो मैं यहाँ पर निशान दे दिया हूँ, अब इसके सीधे में होल करना है। तो मैं तो फ्रेंड आप इसे किसी भी नोकेली से नोकेली सामान से आप इसे होल कर सकते हैं। तो पीवीसी पाइप को होल करना सब बहुत आसान है, तो आप इसे होल कर सकते हैं। इसके होल अपने वायर के हिसाब से करना, आप जितना पतला ले रहेंगे वायर तो उसे उसी हिसाब से इसे होल करना है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इसके बस सीधे में भी होल कर दिया हूँ। तो फ्रेंड आप इसे फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आप ये मेरा मतलब के फिटिंग हो गया है। तो फ्रेंड अब इसके वायर को अंदर इसके पाइप के अंदर भरना है। तो मैं इसके भरने के लिए आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे भरना है। एक धागा लेना है और उसके बाद कुछ सेफ्टी पिन को इस तरह से कर देना है। उसके बाद धागा मतलब यहाँ जो धागा जो लिए थे उसे क्या करना है ना, इसे बिल से अंदर घुसाना है, और इसके जो लास्ट वाला जो बिल था यहाँ पे आपको देखना है। आपको यहाँ से आपको कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से जैसे मालूम दे आपका आपका धागा, तो आप इसके मदद से ऐसे इसके घुसा के इसके अंदर से ऐसे खींच सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं यहाँ पे वायर को इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो धागा था वो निकल गया है। तो इससे क्या करना है ना, तो फिर इसके बाद क्या करना है ना,
वायर के मुंह को जेंट कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से इसे धागा बांध लेना है, हल्का से एक गांठ डालना है यहाँ पे। उसका जैसे आप इसको मतलब के धागा को खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ वायर जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इसी तरह यहाँ पे भी वायर को अंदर घुसा दिया हूँ, और यहाँ पे जो होल कर रहा था मैंने वहाँ पर लाके, और मैंने यहाँ पे सुपर जो स्टिक आता है ना, सॉरी सुपर लॉक जो आता है, मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया हूँ उसे। तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्शन करना है स्विच के, तो मैं यहाँ पे स्विच कनेक्शन करता हूँ। तो फ्रेंड्स स्विच कनेक्शन सबको मालूम है कि एक ही वायर माइनस हो या प्लस हो किसी एक वायर को स्विच के कनेक्शन देना है। तो मैं इसे कनेक्शन दे देता हूँ, तो मैं यहाँ से रेड वाले वायर को जो कट के यहाँ पे कनेक्शन दे दूँगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से भी एक मैं यहाँ पे, तो फ्रेंड मैं यहाँ पर भी एक सुपर लॉक लगा लेता हूँ, क्योंकि अगर जब खींचे जब बाहर के साइड में तो वायर जो है हमारा वो छीने ना, इसके लिए मैं यहाँ पे एक सुपर लॉक लगा देता हूँ। तो फ्रेंड अब जो था हमारा यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे इसके साइड में जो एक होल किया था, तो मैं यहाँ से वायर बाहर का सेट निकाल देना है। तो फ्रेंड अब इसे फेविक्विक से चिपका देता हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड देख सकते हैं तो मैं इसके जो यहाँ पे एक टू पिन प्लग भी लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड इसे टेस्टिंग करते हैं मतलब कि कैसा ये वर्क करता है। तो फ्रेंड मैं इसे मतलब के इनपुट कनेक्शन यहाँ से दे दिया हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ और यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने एक बुक लिया हूँ तो देख सकते हैं, तो आज इस बुक से ट्राई करेंगे कि कैसा मतलब कि इसके जो इस लाइट के फोक्स में कैसा दिखता है बुक। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे बुक ओपन कर दिया हूँ। तो फ्रेंड ए लाइट मैंने ऑन किया हूँ, तो ए लाइट जो था मैंने जो ऊपर का जो लाइट था उसे मैंने बंद कर दिया हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसकी जो मतलब की क्वालिटी, तो फ्रेंड आप मतलब कि बहुत क्लियर दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।